कांग्रेस के स्टार प्रचारक, सांसद और फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक डॉक्टर ने शासन किया है, इसके बावजूद न तो वह नब्ज पकड़ सके और न ही इलाज कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि अब छत्तीसगढ़ से भाजपा सरकार का जाना तय है। सांसद राज बब्बर अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर शुक्रवार को रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर नक्सलियों को लेकर कहा कि क्रांति विचारों, व्यवहार और बोली से होती है, गोलियों से सिर्फ आतंकवाद पनपता है। दीपावली की छुट्टियों के ठीक बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने प्रदेश में दस्तक देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही अब शुक्रवार को फिल्म अभिनेता और सांसद राज बब्बर भी प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतरेंगे। इसी के चलते राज बब्बर महासमुंद की सभा से प्रचार का आगाज करेंगे। कांग्रेस के हाथों से पिछले चुनाव में छीनी गई सीटों को वापस पाने के लिए भाजपा नेताओं के क्षेत्र में उनकी हुकार सुनाई देगी। वहीं राजधानी में भी वे नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। एक्टर कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन ने अपने प्राइवेट फोटोज लीक होने पर मुंबई पुलिस की साइबर सेल से मदद मांगी है। पहले लग रहा था कि ये फोटोज मार्फ्ड हैं, लेकिन अब अक्षरा ने खुद ट्वीट कर कहा है कि वो इन तस्वीरों के कारण सदमे में है। अक्षरा ने ट्वीट में लिखा है कि हाल ही में मेरी कुछ प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। ये किसने किया और क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी यंग लड़की को इस तरह शिकार बनाकर एक विकृत मन को ही खुशी मिल सकती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अक्षरा ने 2015 में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ शमिताभ से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में वे धनुष की लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाई दी हैं। शमिताभ के बाद वे नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह के अपोजिट लाली की शादी में लड्डू दीवाना में दिखाई दे चुकी है। फिलहाल अक्षरा अपने पिता की तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में सुभाष नायडू में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हैं। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का दावा है कि 2017 के मुकाबले इस साल 29% प्रदूषण स्तर घटा है। 2017 में एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 328 पीएम था, जबकि इस साल 234 पीएम है। हालांकि इस बार दिवाली पर सबसे प्रदूषित जिला जालंधर और दूसरे स्थान पर पटियाला रहा। बोर्ड के अनुसार जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, खन्ना, मंडी, गोविंदगढ़ और पटियाला सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार सबसे ज्यादा सुधार लुधियाना और अमृतसर में हुआ। पटाखे चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में 6 जिलों में 75 केस दर्ज हुए हैं। होशियारपुर में 32, लुधियाना जालंधर में 11, पटियाला में 5, बठिंडा में 3 व अमृतसर में 13 पर केस दर्ज हुए। ज्यादातर FIR में यही लिखा गया है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग निकले। इंदौर की राजनीति में कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिल रहा है। कल संजय शुक्ला जिन पर टिकट खरीदने का आरोप लगा रहे थे, आज प्रीति अग्निहोत्री उन पर टिकट खरीदी का आरोप लगाती नजर आई है। दरअसल 1 नंबर से प्रीति अग्निहोत्री को टिकट दिया गया था, लेकिन शाम होते होते टिकट संजय शुक्ला को दे दिया गया था, जिसके बाद से ही जहां कभी ढोल बज रहे थे तो वहां गम के आंसू छलक पड़े। रात होते होते धार रोड पर चक्का जाम भी हो गया और वहीं सुबह पत्रकार से बात करते वक्त प्रीति अग्निहोत्री ने दीपक बावरिया और संजय शुक्ला पर आरोप लगाया कि संजय शुक्ला ने पैसे देकर टिकट खरीदा है, और बोलते बोलते वो ये बोल गई कि हमसे ज़्यादा पैसे देकर टिकट खरीद लिया गया है। कल रात मेरे जहन में कुछ बातें आई हैं जो मैं अभी आपको लोगों को सिर्फ पढ़ के सुना सकती हूँ। जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं प्रीति विशाल अग्निहोत्री आज आपको इसलिए आमंत्रित कर रही हूँ क्योंकि संभवतः भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी और पुरानी कांग्रेस पार्टी ने आज महिलाओं का अपमान किया है। भारत माता अहिल्या के नाम से ख्यात इस शहर में जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस द्वारा, पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा की जाती है, वहीं दूसरे और कांग्रेस के नेताओं ने इस शहर में 10 लाख से अधिक मात्र शक्तियों का अपमान किया है। दिनांक 7 नवंबर 2018 को शहर में जगह जगह माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही थी, तब पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। उसी दिन संजय शुक्ला ने पार्टी के अध्यक्ष महासचिव दीपक बावरिया जी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। दिनांक 8 नवंबर को संजय शुक्ला को मेरा टिकट काटकर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। यह किस प्रकार का मजाक पार्टी के शीर्ष नेता हमारे साथ कर रहे हैं। 5 साल पहले मेरे पति श्री विशाल अग्निहोत्री जी को भी 2013 में टिकट दिया गया था और इसी व्यक्ति के विरोध के कारण हमारा टिकट काट दिया गया। मेरे पति उस समय पार्टी के शीर्ष नेताओं के कहने पर कोई विरोध नहीं किया और खुशी खुशी हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया। जिले में लखनऊ भाजपा विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण सीट कहलाती है।
क्योंकि लखनादून में दिनेश राय मुनमुन सिवनी विधायक का परिवार निवास करता है और इसके बाद जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं का स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें विराम लगाते हुए भाजपा ने विजय उड़के को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बिल काफी लंबे विवाद के बाद चौथे लिस्ट में जो आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या कहेंगे इस विषय पर? इसको विवाद नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब सोच के परख के एक प्रत्याशी का चयन किया है, उसके लिए मुझे अधिकृत किया है, पार्टी को धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विवाद की स्थिति बिल्कुल नहीं थी और हमारे क्षेत्र में विवाद की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। एक निष्पक्ष रूप से स्थानीय मुद्दा हावी था, स्थानीय मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मतलब नगर को और क्षेत्र को पहली बार स्थानीय प्रत्याशी घोषित किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली से फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा शुरू कर दी है। वीपी नायडू फ्रांस में आयोजित कार्यक्रम पेरिस पीस फोरम में भाग लेंगे। पेरिस पीस फोरम प्रथम विश्व युद्ध के अंत में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने की शताब्दी मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। वह फोरम के दौरान कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करेगा। उपराष्ट्रपति विल्लर्स गिस्लाइन में भारतीय युद्ध स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। भाजपा भरघाट विधानसभा प्रत्याशी कमल मर्सकोले ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। वर्तमान में बरघाट विधानसभा से कमल मर्सकोले विधायक हैं, वहीं दूसरी ओर कमल मर्सकोले को बी फार्म न देकर पार्टी ने दूसरी कार्यकर्ता नरेश बरकड़े को बी फार्म दे दिया है। टिकट नहीं मिली आपको भाजपा से, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? मैं व्यथित तो दुखी हूं इस बात से, यदि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्यकर्ताओं की राय के साथ आधार पर और ग्राउंड के आधार पर यदि मेरी कहीं पर स्थिति खराब होती है तो पहली सूची जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की थी उसमें मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने घोषित किया और 5 तारीख में सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन दाखिल किया, उसमें मैंने भी अपना नामांकन भारतीय जनता पार्टी से। योगेंद्र सिंह बंटी बना ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के निर्णय को विराम दे दिया है। उनका कहना है कि मैं कांग्रेस संगठन का सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की कथनी और करनी में अंतर वाली इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा उद्देश्य है। इसी दौरान उन्होंने ग्राम बोलाई के हनुमान मंदिर पर दर्शन किया और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कि नारेबाजी गाली गलौज ये करने से आपका चरित्र आपको मालूम पड़ता है। हम सब लोग अच्छे परिवार से हैं, खानदानी लोग हैं, तो हमें शोभा नहीं देता। कल एक और चीज मैंने बताई थी आपको कि राजनीति कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, मान सम्मान की लड़ाई है, शतरंज का खेल है। शुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रामवीर सिकरवार ने अपना फॉर्म भर दिया है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी, योगेंद्र सिंह बंटी बना एवं शहर के कांग्रेस अध्यक्ष अनु पठान और कई नेतागण मौजूद थे।